नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कंसीव कर लिया है या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो भी पेशेंट्स को कंसीव हुआ है उन्हें अपना खास ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हैवी वेट्स उठाना, ट्रैवल करना, स्टेयर्स चढ़ना, रिलेशन बनाना और स्पेशली जो है बहुत लॉन्ग ट्रैवल्स या ऑफिस के लिए अगर कोई 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जाते हैं तो आई सजेस्ट कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपके डे टू डे रूटीन में हमें नॉर्मली हैबिट्स होती हैं, हम बहुत कैजुअल्स रहते हैं, कुछ झुक गिर गया तो ऐसे झुक के उठाना, एकदम झटके से उठा लेना, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप कंसीव हैं तो दोनों घुटने मोड़ के नीचे झुकें और फिर कोई सामान है तो उसको उठाना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो आपका बेबी जो है वो बहुत सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। अगर किसी ने बहुत ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया है तो थोड़े एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। यानी कि आपको अपने ही घर में अगर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं तो आपको दिन में एक बार चढ़ना एक बार उतरना है और ज़्यादा स्टेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग ऑफिस के लिए बहुत अगर 7-8 किलोमीटर्स भी है तो भी कोशिश करें अपनी गाड़ी से ही जाएं, ऑटो या टैक्सी को अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके की स्पॉटिंग या कुछ हो रही है तो तुरंत बेड रेस्ट पे चले जाएं और डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लें। खाने पीने में भी खास ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, खट्टा, तला हुआ ऐसी चीज़ों को खाना नहीं खाना चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ों को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप सिर्फ बादाम, अंजीर और मुनक्का खाएं और वो भी रात को भिगोकर और फिर मॉर्निंग में उसको लें। फ्रूट्स में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पपीता, अनानास और केले को अवॉइड करें। तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बेबी जो है वो एकदम सिक्योर रहेगा, हेल्दी रहेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर जाने के बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो लीनियंसी में चले जाते हैं, फिर हमारा बच्चा सेफ हो जाता है। तो आप अगर आप कंसीव्ड हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी हेल्दी रहे और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद।